नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कई लोगों को ये समस्या आती है कि कस्टमर कंप्लेंट करते हैं कि भाई कपड़े धुलने के बाद कपड़ों में स्मेल नहीं आती है, खास करके डिटर्जेंट लिक्विड में, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर में स्मेल थोड़ी थोड़ी आती है लेकिन डिटर्जेंट लिक्विड में नहीं आती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और किस प्रकार से इसको कंप्लीट किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में इसी विषय पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कुछ मेथड आपको बताऊंगा जो आपको सुधार करने हैं जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं कुछ बात भी बताना चाहता हूँ, मैं केमिकल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ। मैं भी व्यूज़ देखता हूँ भाई कितने कितने व्यूज़ आ रहे हैं, और कुछ वीडियोस पे तो भाई 200-300 व्यूज़ होते हैं आए दिन। कई लोग मुझे संपर्क भी करते हैं और उनकी समस्याएं भी होती है कि हम बैच बना रहे हैं, बैच हमारा या तो पतला हो जाता है या बैच में से कुछ समय के बाद बदबू आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी समस्याएं होती है। कुछ लोग अपने मेजरमेंट भी भेजते हैं कि हम यह फॉर्मुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे भी लिखे होते हैं, जब मैं पूछता हूँ कि भाई इसका क्या काम है तो उन्हें पता ही नहीं होता। हालांकि अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम है तो अभी रिसेंटली मैंने केमिकल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड मैंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है जिसके अंदर कंप्लीट बहुत सारी लैंग्वेजेस में सारे केमिकल के इन्फॉर्मेशन मैंने दिए हुए, करीब अभी 56 जितने केमिकल मैंने ऐड कर दिए, बाकी आगे और ऐड होंगे। और जो अगर केमिकल उसमें ऐड नहीं है, जो लोग एप्लीकेशन परचेस करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई जो चीज़ पे मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप नॉलेज ले सकते हो। तो जो लोग परचेस करेंगे अगर एप्लीकेशन में वो केमिकल नहीं है तो उनके कहने पे वो केमिकल भी ऐड हो जाएगा, तो इसमें कोई केमिकल की लिमिट नहीं है। और अगर फ़िलहाल इसमें केमिकल कौन सी लैंग्वेजेस में अभी ऐड हो चुके हैं इसकी अगर बात की जाए, तो इसमें इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इतनी लैंग्वेजेस में ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक ये बहुत ही बड़ा स्कोप है, आप अपनी मातृभाषा में जो भी केमिकल आप यूज़ करते हो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको ये एप्लीकेशन परचेस करना हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। और साथ ही साथ ये ग्रीन फिनाइल, इसका भी मैंने रिसेंटली एक छोटा सा रील भी अपलोड किया था, अगर आपको ये बनाना सीखना हो तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो। इसमें कोई भी समस्या नहीं आ रही है, कंप्लीट प्रोसेस पे ये बन रहा है, ना ही कोई सप्रेशन आएगा, परफेक्ट मेकिंग प्रोसेस से आपको ये बनाना सिखाया जाएगा। अगर ये भी आपको सीखना हो तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। अभी बात करते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा कि भाई कस्टमर को जो समस्या आती है कपड़े धुलने के बाद परफ्यूम नहीं आ रही, मतलब स्मेल नहीं आ रही कपड़ों में, तो इसका क्या सॉल्यूशन लाया जा सकता है। पहले तो इसकी क्यों हो रहा है ये देखा जाता है। तो इसके मुख्य तीन कारण होते हैं। पहला हो गया मेजरमेंट, आपका जो फॉर्मूलेशन है। सेकेंड हो गया क्वालिटी और तीसरा हो गया सेलेक्शन। अब ये क्या है ये मैं बताता हूँ, आपको थोड़ा विस्तार में समझाता हूँ। पहला हो गया मेजरमेंट। मुझे कई सारे ऐसे कॉल भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि डिटर्जेंट लिक्विड बनाना है, और जब मैं कॉस्टिंग पूछता हूँ तो कॉस्टिंग होती है 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, मैक्स टू मैक्स ये प्राइस तक बनाना है। तो भाई ये प्राइस तक अगर आप बैच बनाते हो ना तो ये समस्या आएगी। इसका रीज़न है कि आज की डेट में जो रॉ मटेरियल की प्राइस चल रही है ना, रॉ मटेरियल के प्राइस के हिसाब से 10, 12, 15, 20 रुपये तक में एक एवरेज क्वालिटी का डिश वॉश बनता है, वो भी 12 रुपये में नहीं, 15 से 20 रुपये के बीच की अगर बात की जाए ना, तो एक एवरेज क्वालिटी का डिश वॉश बनता है, डिटर्जेंट नहीं। अगर आपको डिटर्जेंट लिक्विड की बात की जाए तो अगर आप 35-40 रुपये तक की कॉस्ट पे अगर आप डिटर्जेंट लिक्विड बनाते हो ना तो ये समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ पे लोगों को ये भी प्रॉब्लम कि भाई यार कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, मार्केट में माल नहीं बिकेगा, तो ये आपकी समस्या है क्योंकि अपने प्रोडक्ट का कचरा आप खुद करके बैठ चुके हो। अगर आप आपके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करोगे तो कस्टमर बिल्कुल भी नहीं करने वाले। अगर आप 10 कस्टमर को आज फ्री में सैंपल दे रहे हो ना, वो कस्टमर 1 रुपये का खर्चा करके आपके पास प्रोडक्ट नहीं लेगा, क्योंकि आपने ही आपके प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन कर दी है, तो सामने वाला तो वैल्यू करने वाला ही नहीं है। अब सामने वाले को कन्विंस करना ना करना वो आपके ऊपर है, जो ट्रू फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ट्रू फैक्ट नॉलेज लेना है तो मेरे चैनल पर बने रहिए।
बाकी बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत सारे बैठे हैं, आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट कर देंगे, भाई ये चीज़ डालो वो चीज़ डालो, आपका सॉल्व हो जाएगा, वो फिर सॉल्व होता नहीं। और मुझे भी कई लोग ऐसे फ़ोन करते कि भाई हमने इनका चैनल देखा था, वहाँ से ये लिया, सॉल्व कुछ हुआ नहीं है, वो फिर आपके ऊपर है। ट्रू फैक्ट जानना है तो बने रहिए। पहला हो गया मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की बात की जाए तो आपका पर केजी डिटर्जेंट लिक्विड के बैच में करीब करीब 8 से 10 ग्राम आपका फ्रेग्रेंस होना चाहिए। जो भी परफ्यूम आप यूज़ करते हो, 8 से 10 ग्राम तो आपका परफ्यूम होना चाहिए, तो वो जाके उस लेवल का रिजल्ट देगा कि भाई कस्टमर कपड़े धुल दे, धो दे, सूख जाए, उसके बाद भी कुछ समय तक उसमें परफ्यूम आए, फ्रेग्रेंस आए, स्मेल आए, वो चीज़ के लिए आपको 8 से 10 ग्राम तो परफ्यूम यूज़ करना है। बाकी आपका फॉर्मुलेशन को आप सेट कर लीजिए जिस भी हिसाब से आपको सेट करना है, अगर आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है तो। सेकेंड हो गया क्वालिटी। अब यहाँ पे सिर्फ परफ्यूम की क्वालिटी नहीं होती है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी को भी देखा जाता है। पहले तो परफ्यूम की क्वालिटी देखी जाती है। क्वालिटी में ऐसा है भाई, कई लोग वाटर सोल्यूबल फ्रेगरेंस यूज़ करते हैं, कई लोग ऑयल सोल्यूबल फ्रेगरेंस यूज़ करते हैं। अब वाटर सोल्यूबल फ्रेगरेंस अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, आपको ये समस्या आएगी क्योंकि आपके बैच में करीब करीब 70 से 80% पानी होता है, बाकी सारा रॉ मटेरियल होता है। अब यहाँ पे आपका जो वाटर सोल्यूबल परफ्यूम है ना, वो बैच के पानी के अंदर घुल जाएगा। तो नॉर्मली जब आप पैकिंग करोगे और पैकेजिंग में जब कैप ओपन होगी तो वहाँ पे स्मेल आएगा, लेकिन वो धुलने के बाद स्मेल नहीं आएगा, क्योंकि 80 से 90% तो आपके बैच में पानी है। ऊपर से जब वो यूज़ होगा तो वहाँ पे भी बहुत सारा पानी यूज़ होगा, तो जो परफ्यूम जो स्मेल है ना, वो पूरा पानी के साथ चला जाएगा, कपड़ों में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप ऑयल सोल्यूबल परफ्यूम यूज़ कर सकते हो, ऑयल बेस। अब यहाँ पे समस्या है कि भाई मुझे कई लोगों ने ये भी कहा है कि ऑयल बेस्ड परफ्यूम जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा बैच पतला हो जाता है। भाई ये आपके फॉर्मुलेशन और बनाने की प्रक्रिया पे निर्भर करता है। अगर ये भी समस्या आ रही है तो आप मेरा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट ऑयल बेस्ड परफ्यूम के साथ ही बनाना सिखाया जाता है, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की परफ्यूम जो होती है, स्मेल जो होती है, वो अच्छी रहे। उसको कैसे सेट किया जाता है, ये कम्प्लीट प्रोसेस से सिखाया जाता है। बाकी आप आपके तरीके से सेट कर सकते हो। और सिर्फ परफ्यूम की क्वालिटी नहीं, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल की क्वालिटी को भी देखा जाता है, क्योंकि कई मार्केट में मैंने कोई ऐसे सप्लायर्स को भी देखा है जो 90% एसिड स्लरी बोल के 85-70% वाली एसिड स्लरी पकड़ा देते हैं। कुछ एसिड स्लरी तो ऐसी होती है कि भाई अगर आप 1 फुट दूर से भी स्मेल करो ना, तो नाक के बाल जल जाए, इतनी उसमें तेज गंध आती है एसिड की। वो क्योंकि उसको सस्ता करने के लिए अलग से एसिड दबाया हुआ होता है। अब ऐसी चीज़ अगर आप परचेस कर रहे हो, आपका बैच बना रहे हो, तो वो एसिड स्लरी के अंदर का जो एसिड है ना, वो भी आपके परफ्यूम को नष्ट कर देगा। यहाँ पे एसिड स्लरी की क्वालिटी भी देखी जाती है, SLES की क्वालिटी भी देखी जाती है, क्योंकि मेन तो ये 2 ही इंग्रेडिएंट्स है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स तो एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं ताकि क्वालिटी को और आगे बढ़ाया जा सके। मेन ये 2 इंग्रेडिएंट्स है। मैंने कई लोगों के पास ऐसे SLES देखे हैं कि अगर मुझे फ्री में भी देना तो भी मैं मना कर दूँ, इतनी बदतर क्वालिटी होती है। वो SLES का अगर ड्रम का कैप ओपन किया जा रहा है तो वहाँ से उसमें गट्टर जैसी स्मेल है। अब कई लोग बैच बनाने में उसको भी यूज़ कर देते हैं। अब ये भी समस्या है क्योंकि आप रॉ मटेरियल भी क्वालिटी का लोगे, परफ्यूम क्वालिटी का लोगे, तो आपका बैच में क्वालिटी रहेगा, तो ये जो समस्या ये नहीं आएगी। बाकी आपको ये समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऑयल बेस्ड फ्रेगरेंस सेलेक्ट कीजिए, मेजरमेंट को सही से सेट कीजिए, और तीसरा हो गया परफ्यूम का सिलेक्शन। ये भी मैं इसमें इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि कई मार्केट में बहुत सारे ऐसे परफ्यूम अवेलेबल है। मैं बाकी प्रोडक्ट को साइड पे रखता हूँ, डिटर्जेंट की ही बात करता हूँ। 600-700 रुपये से लेके शुरू होते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस बता रहा हूँ। मैक्स टू मैक्स प्राइस तो भाई बहुत लंबी जाती है, 600-700 रुपये से शुरू होते हैं। अब ये क्या होता है, नॉर्मली आप बैच बनाते हैं, बैच बन जाने के बाद जब उसको पैक कर देते हैं ना, पैक करने के बाद भी आपको पता होगा जो भी बैरल में या जिसमें भी आपने बैच बनाया उसमें कुछ चिपका हुआ रह जाता है, बैच थोड़ा थोड़ा रह जाता है, वो पूरा साफ़ नहीं होता। तो कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं उसको अंत में निकाला हुआ होता है, या फिर वो टोटली रिजेक्ट हो गया होता है। बैच बनाते समय कई बार हमारा बैच बिगड़ जाता है। अब बिगड़ जाता है तो छोटा बैच रहेगा तो उसको फेंक दिया जाता है, बड़ा बैच रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन किया जाता है। लेकिन जो परफ्यूम होता है उसमें भी कई बार ऐसी समस्या आ जाती है, तो ऐसा जो रिजेक्शन वाला माल होता है ना, वो मैन्युफैक्चर्ड प्राइस पे सेल कर दिया जाता है। अब जो लोग परचेस कर रहे हैं उनको लगता है हमें तो परफ्यूम सस्ता मिल रहा है तो हम तो वही यूज़ करेंगे। अब जो सस्ता मिलता है ना उसमें ये समस्या होती है। अगर आपको डिटर्जेंट लिक्विड के लिए अगर परफ्यूम आपको यूज़ करना है ना, तो
तो करीब करीब मैं अंदाजे से बोलता हूँ 1200-1500 से ऊपर का परफ्यूम आप सेलेक्ट कीजिए, और वो भी ऑयल बेस्ड सेलेक्ट कीजिए। फिर चाहे फ्लेवर चाहे आप कोई भी सेलेक्ट करो, आपको जो भी फ्लेवर चाहिए हो वो आप फ्लेवर सेलेक्ट करो, लेकिन इसकी जो प्राइस होती है 1200-1500 से ऊपर की सेलेक्ट कीजिए, तो वहाँ पर वो आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी। और एक साथ में बड़ा लोड परचेस भी मत कीजिए, ज़रूरत पड़े आप अगर कोई न आपका पुराना सप्लायर है और आपको उस पर ट्रस्ट है तो आप परचेस कर लीजिए डायरेक्ट, कोई इश्यू नहीं है। 1 किलो का पैकेजिंग परचेस कीजिए, फिर उसको यूज़ करके देख लीजिए। अगर कोई नया सप्लायर आपको मिल रहा है, आपको परफ्यूम अच्छी लग रही है, तो आप पहले सैंपल के तौर पे 200-500 ग्राम परचेस कीजिए। अगर सामने वाला अवेलेबल करता है तो 200-500 ग्राम आप परचेस कीजिए, नहीं करता है तो आप 1 किलो का जो भी कंपनी पैकिंग होता है छोटा पैकिंग, उसको परचेस करके पहले आप बैच को बना के देखिए। उसके बाद फिर आप चाहे तो बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो परफ्यूम का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के साथ मैं एक चीज़ भी बता देता हूँ, मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रेग्रेंस भी अवेलेबल है जो बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ये दिक्कत आती है कि कुछ समय के बाद वो स्मेल नहीं देते हैं। अगर ऐसे में बात की जाए कंफर्ट की, तो कंफर्ट में फ्रेग्रेंस यूज़ होती है मोस्टली, आपने देखा होगा जो ब्रांडेड कंपनी का जो कंफर्ट है, फिलहाल हम तो उसे फैब्रिक सॉफ्टनर ही कह सकते हैं, कंफर्ट तो एक ब्रांड है। तो कंफर्ट की जो स्मेल होती है ना, ये 12-15 दिन तक स्मेल आती है, और नॉर्मली अगर बनाया जाए तो भाई 2-3 दिन स्मेल आती है, उतनी भी नहीं होती है। तो उसके अंदर यूज़ होती है एनकैप्सुलेटेड फ्रेग्रेंस। अब एनकैप्सुलेटेड फ्रेग्रेंस क्या होती है, इसके ऊपर मैं आगे भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और मुझे पता है कि भाई ज्ञान लेने में यहाँ लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं जब भी नॉलेज वाली वीडियोस अपलोड करता हूँ मैं भी देखता हूँ 200-300 व्यूज़ होते हैं। अब जिनको भाई, तो मेरे ख्याल से उतने ही लोग हैं जिनको ज्ञान लेने में सही इंटरेस्ट है, बाकी लोगों को फॉर्मुलेशन में इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर मैं आज की डेट में भी कोई भी एक फॉर्मुलेशन अपलोड कर दूँ ना, भले ही फिर मैं 2 अलग अलग पानी को मिक्स करके बता रहा हूँ कि भाई ये केमिकल है, ये केमिकल है, आप बनाओ, आपका बन जाएगा भाई, शाम तक में 4-5 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक को चाहिए। आपको चाहिए कि लोग आपको आके बेवकूफ़ बनाए, क्योंकि कई लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि भाई हमने, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, हमने भाई उस जगह पे 2000 पे किया था, 3000 पे किया था, 1000 रुपया पे किया था, हमारा पैसा ठग गया है। तो ये गलती सामने वाले की नहीं है, गलती आपकी अपनी है। आप सेलेक्ट किसको कर रहे हो ना पैसा देने के लिए, वो भी आपके ऊपर है। आप किसके पास से नॉलेज ले रहे हो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको नॉलेज सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ है। अब एनकैप्सुलेटेड परफ्यूम क्या होती है, इसके ऊपर मैं आगे भी डिस्कशन करूँगा, दूसरे वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर पूरा विस्तार से समझाऊंगा कि आपको एनकैप्सुलेटेड परफ्यूम अगर आप फैब्रिक सॉफ्टनर में यूज़ करते तो उसके क्या बेनिफिट होते और उसके क्या लॉस है। बेनिफिट भी बताऊँगा और लॉस भी बताऊँगा, पूरा विस्तार से समझाऊँगा, तो उस वीडियो के लिए भी आप चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। आज के ये वीडियो इतना है। अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस से प्रोडक्ट बनाना सीखना हो तो मुझे संपर्क कर सकते हो, मार्केट प्राइस में, और मार्केट में जितने लोग ट्रेनिंग देते उससे मेरी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं प्रॉपर नॉलेज देता हूँ जिससे कि आपको बैच बनाने में कभी भी कोई भी समस्या ना आए। इसके लिए आप मुझे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।